हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रिकॉशंस ऑफ और विंटर पढ़ लिया था और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेनी सीजन। तो रेनी सीजन होता है बारिश का सीजन, ठीक है। जब बारिश होती है तो उसको हम रेनी सीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेनी सीजन कैन बी वेरी प्लीजेंट, रेनी सीजन बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो सकता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं, आनंद वाला ये मौसम होता है, ठीक है, जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। समटाइम्स इट रेन लाइटली, कभी कभी जो बारिश होती है वो लाइटली होती है, हल्की बारिश होती है। अ लाइट रेन इज कॉल्ड ड्रिजल, तो जो हल्की बारिश होती है, लाइट रेन होती है, उसको बूंदाबांदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट रेन हैवली, कभी कभी बारिश बहुत ही ज़्यादा हैवली तरीके से होती है, भारी बारिश होती है। अ हैवी रेन इज कॉल्ड अ डाउन पोर, तो एक हैवी रेन को हम डाउन पोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। वी शुड यूज एन अम्ब्रेला एंड रेन कोट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। बताया जा रहा है कि हमें रेन से प्रोटेक्ट के लिए क्या क्या उपयोग में लाना चाहिए। तो हमें यूज करना चाहिए एक अम्ब्रेले का, एक छाते का और रेन कोट का। तो हमें अम्ब्रेला और रेन कोट का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम बारिश से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, प्रिकॉशंस फॉर रेनी सीजन के बारे में यहाँ बताया गया है कि आप कौन कौन से प्रिकॉशंस को ले सकते हैं रेनी सीजन के लिए, ठीक है। पहला प्रिकॉशन है डोंट प्ले टू मच इन रेन, डोंट प्ले टू मच इन रेन। आपको बारिश में अत्यधिक नहीं खेलना चाहिए, ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। यू मे कैच कोल्ड, आपको उससे सर्दी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला एंड अ रेन कोट, हमेशा आपको एक अम्ब्रेले को कैरी करना चाहिए और एक रेन कैट को, आप रेन कोट को भी कैरी करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, टिक मार्क क्वेश्चंस को हम बता दे रहे हैं, आपको ये अपनी बुक में फिल करना होगा और क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड हो चुके हैं, ठीक है। इसको आपको कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दीज इज यूजफुल इन विंटर, तो विंटर में यूजफुल क्या है, कॉटन क्लॉथ्स है, वूलन क्लॉथ्स है या रेन कोट है। तो विंटर में वूलन क्लॉथ आपके लिए यूजफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सीजन डज आर रूम हीटर गिव रिलीफ, तो किस सीजन में एक रूम हीटर रिलीफ आपको देता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, आपको अपने एग्जाम में मेंशन करना होगा इस प्रकार से राइट ऑप्शन पे, ठीक है, टिक मार्क करना होगा। समर में, रेनी सीजन में, विंटर में, तो किस सीजन में आपको रूम हीटर रिलीफ करता है, तो ठंडियों में ना, ठंडियों को बोलते हैं विंटर सीजन, तो विंटर पे जो है टिक मार्क आपको करना होगा। इन विच सीजन डज अ कूलर गिव रिलीफ, किस सीजन में आपको कूलर जो है रिलीफ देता है, तो गर्मियों में देता है, गर्मियों को इंग्लिश में बोलते हैं समर, ठीक है। तो समर पे आपको टिक मार्क करना होगा। आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, ये भी आपको लर्न करना होगा, ये आपको बुक में मेंशन करना होगा, कॉपी में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लिखना है, ओके बच्चों। डेज आर इन समर, तो दिन समर में कैसे होते हैं, तो हॉट होते हैं, ठीक है। डेज आर कोल्ड, डेज ठंडे होते हैं, कब होते हैं, विंटर में, तो विंटर लिखा हुआ है, ठीक है। यू शुड कैरी ड्यूरिंग रेनी सीजन, आपको रेनी सीजन में क्या कैरी करके जाना चाहिए, अपने साथ रेनकोट अक्सर आपको लेके चलना चाहिए, ठीक है, रेनी सीजन में, क्योंकि कभी भी किसी भी समय बारिश आने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट आपका है पीपल इंजॉय टेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स इन, तो पीपल इंजॉय करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, किस सीजन में करते हैं बच्चों, समर सीजन में करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ओके बच्चों, थैंक यू।